नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और मिस्टर फोन चैनल पे हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करते हैं स्मार्टफोन्स के अराउंड, बट आज हम थोड़ा डिफरेंटली इस वीडियो को बनाने वाले हैं क्योंकि आज हम कवर करेंगे नोकिया के लेटेस्ट फीचर फ़ोन 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक को। सो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इस फ़ोन की एक क्विक अनबॉक्सिंग और बताऊँगा आपको इसके टॉप 10 फीचर्स के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। दोस्तों फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो इसके डिज़ाइन पर अगर आप गौर करें तो इसके साथ आपको डेडिकेटेड म्यूज़िक कंट्रोल्स बटन्स मिल जाते हैं साइड में, जिससे आप म्यूज़िक के वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और ट्रैक्स को प्ले पॉज या स्किप भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है ये, आपको कॉन्स्टेंटली फ़ोन को अनलॉक करके नहीं करना पड़ेगा म्यूज़िक स्विच, विच इज़ ग्रेट। अब दूसरा फीचर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी लोगों के दिल के काफ़ी करीब है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ FM रेडियो की, और मॉडर्न स्मार्टफोन्स में आपको ये फीचर उतना देखने को नहीं मिलता, बट 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक के साथ आप अपने फेवरेट आरजेस को और अपने फेवरेट रेडियो चैनल्स को ईजिली सुन सकते हैं। और हाँ, जो म्यूजिक कंट्रोल्स के बटन्स दिए गए हैं आप उनसे FM रेडियो के चैनल्स भी चेंज कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस टच। आगे बढ़ते हैं और जो इसका तीसरा फीचर मुझे पसंद आया वो ये है कि काफ़ी अच्छा सेकेंडरी फ़ोन बन सकता है ये नोकिया का 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक, और वो इसलिए क्योंकि इसके साथ आपको मिल जाता है 22 डेज का स्टैंड बाय टाइम। तो अगर आपके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है आप इसको एक बैकअप फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते हैं एंड इट वर्क्स रियली वेल फॉर दैट। अब इस फ़ोन की एक और बात मुझे ये पसंद आई कि आपको इसमें 32 GB तक की एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिल जाती है, जिससे आप काफ़ी सारे MP3 सॉन्ग्स लोड करके सुन सकते हैं अपने फ़ोन पे। अगेन, अगर आपको अपने मेन फ़ोन की बैटरी बचानी है या अगर आप बाहर जा रहे हैं रन पे और आपको अपना मेन फ़ोन कैरी नहीं करना है तो आप नोकिया 5310 को यूज़ कर सकते हैं। अब म्यूजिक के टॉपिक पे हैं तो मैं आपको बता दूं कि नोकिया 5310 के साथ आपको डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो एक फीचर फ़ोन के लिए काफ़ी रेयर हैं, और तो और इसके स्पीकर्स काफ़ी लाउड भी हैं, तो आई एम श्योर सॉन्ग सुनने में इसमें काफ़ी मज़ा आएगा आपको। कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर, नोकिया 5310 के साथ आपको इंटरनेट ब्राउजिंग भी मिल जाती है अलॉन्ग विद सपोर्ट फॉर सम कॉमन सोशल मीडिया एप्स लाइक फेसबुक। अब हाँ, ये है कि ये 2G फ़ोन ही है, सो आई एम श्योर जियो फोन के साथ आपको बेटर कनेक्टिविटी मिल जाएगी, बट स्टिल इट्स वर्थ पॉइंटिंग आउट। अब कनेक्टिविटी वाइज नोकिया 5310 आपको डुअल सिम कनेक्टिविटी ऑफर करता है एंड दिस फोन इज एक्सेलेंट फॉर टेकिंग कॉल्स। अगर आप काफी सारे टाइम स्पेंड करते हैं फोन पे बात करते हुए, देन आपको डेफिनेटली नोकिया 5310 के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। कॉल्स काफी क्लियर थी मेरे एक्सपीरियंस में और कहीं पे भी सिग्नल इश्यूज नहीं आए मुझे। काफी सारे फीचर फोन में ये देखा है मैंने कि एक बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलता, बट विद द नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक 5310 आपको एक बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाता है, विच मेक्स टाइपिंग एंड टेक्सटिंग एट नाइट अ लॉट मोर फन। ऑल्दो ये एक फीचर फोन है, इसके साथ आपको एक VGA कैमरा भी मिल जाएगा टू कैप्चर सम स्टिल्स। अब ऑब्वियसली क्वालिटी वाइज वो बहुत अमेजिंग नहीं होंगी, बट इट्स स्टिल बेटर देन नथिंग, एंड अगर आपको बस मेमोरीज कैप्चर करनी है तो दिस विल ऑल्सो डू द जॉब जस्ट फाइन। अब इस फोन का जो लास्ट फीचर है वो एक्चुअली एक फीचर नहीं है, बट इट्स स्टिल समथिंग जिसकी वजह से आप इस फोन को खरीदना चाहेंगे, और वो है नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक सीरीज से जुड़ा नॉस्टैल्जिया। नोकिया ने कुछ साल पहले मोबाइल फोन सेगमेंट में धमाल मचा दिया था विद इट्स एक्सप्रेस म्यूजिक फोन, जिसकी
वजह से कंपनी का ब्रांड न्यू 5310 एक काफी अच्छा कलेक्टर्स आइटम है। बट दोस्तों, ये थे नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक के टॉप 10 फीचर्स और इसके क्विक अनबॉक्सिंग। अब अगर आप इस फोन को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बता दूं कि नोकिया ने इसको 3400 रुपए के दाम पे लॉन्च किया है। और अगर आप इस फोन के फुल रिव्यू को भी देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, मैं जरूर आपके लिए वो वीडियो भी लेके आऊंगा। बट अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।